भैया क्या करे, बायो का सिलेबस ही बहुत ज्यादा है। साइंस में ना सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना, वो लगता है हमें बस बायो से, तो बायो का कुछ करो ना। तो भैया मैं आप लोगों का आज सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बायो का फुल सिलेबस रिविजन करने वाले हैं। इसके बाद में आपको ना कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को ऐसे बेस्ट नोट्स देने वाला हूँ ना, जिनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इन्हीं नोट्स से आप लोगों के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो भैया पूरा पूरा जरूर से देखना एग्जाम से पहले, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके पास में सेव हो जाए, और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस में जो सबसे पहली प्रोसेस आती है वो आती है न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन बेसिकली हम लोग इंसान हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो एनर्जी होती है वो हम फूड से लेते हैं। तो वही ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड इन बॉडी इज नोन एज न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रिशन। अब इसके बाद में न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जिसमें ऑटोमेटिकली होता जाए, मतलब ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना, आप खुद से ही अपना खाना बना रहे हो। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर फूड बाय इटसेल्फ इज लाई इन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जैसे कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अब देखिए फोटोसिंथेसिस बेसिकली आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स इसके थ्रू ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आप इसकी जो डेफिनेशन है उसको याद रखना कि प्रोसेस बाय विच एन ऑटोट्रॉप टेक्स CO2 एंड H2O, वो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं एंड H2O एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। और जो इसकी इक्वेशन है हमारे पास में, वो इक्वेशन रहेगी, आप ये अच्छे से याद रखना कि 6 times ऑफ CO2 12 times ऑफ वाटर इन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विल गिव यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसीलिए प्लांट्स रिलीज करते हैं क्योंकि इनका बाय प्रोडक्ट होता है, और उसके साथ में इसमें वाटर भी एवेपरेट हो जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, हम हमारा फूड खुद से थोड़ी बनाते हैं, हम हर दिन खाना खाते हैं, खाने के अंदर दाल चावल खाते हैं, पनीर खाते हैं, पनीर चपाती खाते हैं। तो ये सब जो होता है ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हम। देखिए अब इसके अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 5 marks के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से अपने दिमाग के अंदर, ये जो पॉइंट्स है मैंने जैसे लिखा हुआ है वैसे इनको याद रखिए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको जो सबसे फर्स्ट कॉम्पोनेंट होता है वो होता है माउथ। अब देखिए माउथ का काम क्या होता है, माउथ का काम होता है खाना इनटेक करना, तो यही है सिंपल सा, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। फिर सेकेंड आता है बकल कैविटी, या फिर आप कह सकते हो माउथ कैविटी। अब जैसे कि जो हमारे मुंह का खाली स्पेस है ना, उसको कहते हैं कैविटी। तो अब हमारा माउथ है, माउथ के अंदर खाली है, तो इसका नाम हो गया माउथ कैविटी। अब इस माउथ कैविटी के अंदर क्या होता है कि माउथ कैविटी बाय विच फूड इज टेकन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड च्यूड, मतलब कि इससे फूड क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचता है और हम इसमें ही इसको चबाते हैं। और इसके अंदर टीथ और टंग इसमें कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, मतलब कि इसके अंदर कंसिस्ट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टीथ। अब टीथ का काम क्या होता है, इनका काम होता है च्विविंग का काम होता है, मतलब चबाने का काम कौन करते हैं, वो करते हैं टीथ करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, आप अगर एक एक लाइन पे लिख करके आओगे ना तो आपको डेफिनेटली इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टंग। अब देखिए टंग का काम क्या होता है, टंग बेसिकली हमारी है ना, एक तो बोलने में हेल्प करती है, दूसरा क्या होता है कि ये सलाइवा को मिक्स करती है हमारे फूड के साथ में। तो फर्स्ट तो इसका काम हो गया कि मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, एंड सेकेंड काम हो गया कि रोलिंग एंड पुशिंग, मतलब कि रोल भी होता है और फिर उसके बाद में ये पुश भी करती है हमारा जो खाना पार्शियली डाइजेस्टेड और जो च्यूड फूड होता है उसको ईसोफेगस की तरफ ये ट्रांसफर करती है। याद रखना ईसोफेगस की तरफ खाना कौन भेजता है, वो भेजेगी हमारे पास में टंग, इसमें भेजती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्लेवरी ग्लैंड।
अब देखिए स्लेवरी ग्लैंड क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड बेसिकली एक ग्लैंड होता है जो कि एक एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्लेवरी एमाइलेस। अब स्लेवरी एमाइलेस का काम क्या होता है, बेसिकली ये जो एंजाइम होता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का जो काम होता है वो होता है स्लेवरी एमाइलेस का, एंड इट कन्वर्ट इन टू द सुक्रोज एंड माल्टोज के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है ईसोफेगस। अब देखिए ईसोफेगस जो होता है बेसिकली इसका काम होता है कि ये जो फूड है उसको माउथ से लेकर के, माउथ से तो फूड लेगी देन फिर उसके बाद में स्टोमच तक जो ट्रांसफर करने का काम होता है वो होता है ईसोफेगस का। और ये किस तरीके से करती है, जैसे कि ईसोफेगस ये होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो इसके अंदर ये थोड़ी सी ऐसे एक्सपेंड होती है जिससे कि क्या होगा कि फूड थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि फूड आगे की तरफ इसमें ट्रेवल करता रहता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना निगलना, वही यहाँ पर इसमें एक्शन होता है तो उसको आप कहेंगे पेस्ट्रेलिक मूवमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टोमच। अब स्टोमच क्या होता है, वो होता है बेसिकली पेट होता है। अब पेट में क्या होता है, पेट में बेसिकली खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे ही खाना आपके पेट के अंदर जाएगा तो वहाँ पर कर्निंग स्टार्ट हो जाती है फूड की, मतलब हमारा पेट जो है उसमें मूवमेंट कर करके उसको है ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा पेप्सिन, फिर सेकेंड जो कॉम्पोनेंट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और फिर थर्ड जो है वो है म्यूकस। अब देखिए ये तीन कॉम्पोनेंट हैं, इनके अलग अलग काम हैं। तो सबसे पहले जो पेप्सिन है इसका काम होता है कि ये एंजाइम जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, मतलब कि एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने का काम पेप्सिन का होता है। फिर HCl का काम होता है कि ये जो हमारा फूड है उसको एसिडिक बना दे, एसिड का काम होता है एसिडिक बनाना, तो वही ये काम करता है। फिर उसके बाद में म्यूकस जो होता है, म्यूकस बेसिकली हमारे पेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो ये HCl है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है, अगर आपके हाथ के ऊपर गिर गया तो आपका हाथ जल जाएगा। तो अब हमारा पेट नहीं जलना चाहिए तो उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो भगवान जी ने क्या किया कि हमें एक म्यूकस दे दिया जिसका काम होता है बेसिकली प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच, कि हमारे जो पेट के अंदर से जो भी कोई भी डैमेज ना हो इसलिए वहाँ पर म्यूकस, इसीलिए वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ HCl, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, CBSE ने एक बार इसको पूछा गया था, आई थिंक कि 2018 में पूछा था और 2016 में पूछा था, तो ये जरूर से याद रखना। दो पॉइंट है इसके, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इट मेक द मीडियम इनसाइड द स्टोमच एसिडिक, एसिडिक बना देता है। देन फिर इसके बाद में विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम दैट कॉल्ड पेप्सिन, और पेप्सिन जो एंजाइम है उसके एक्टिव के लिए क्या होता है कि हमने ना इसको एसिडिक बनाना ही होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है कि इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटरिंग द स्टोमच विद फूड, और हम जो खाना खा रहे हैं उसके साथ में अगर मान लो कि कोई बैक्टीरिया आ जाए जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो HCl क्या करता है कि उसको मार देता है जिससे कि हमें कोई भी खतरा ना हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली ये होता है जहाँ पर कि डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह सब कुछ डाइजेस्ट होने लग जाता है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो एग्जैक्टली मेरे को इसकी लेंथ तो नहीं पता, लेकिन सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर वो ये है। और उसी के साथ में मैं आपको एक छोटा सा ऑफ द टॉपिक एक बात बताता हूँ कि जो हमारे ह्यूमंस है ना, आपको बताता हूँ कि हम लोग कितने कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे जो नस हैं, मतलब कि आप बोल सकते हो कि हमारे अंदर जो नसें हैं उनकी लेंथ कितनी होगी, तो उनकी जो लेंथ है ना वो इतनी है कि हमें ना अर्थ को तीन बार राउंड कर सकते हैं पूरा, और हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो है 37,000 किलोमीटर्स। अब देख लो इसका सर्क्यूमफेरेंस निकाल लो और उसको तीन बार लपेट सकते हो, आपके अंदर इतनी सारी नसें प्रेजेंट होती हैं, और आपका जो दिल है आपका हार्ट है वो पंप करके इन सभी के अंदर ना ब्लड को फ्लो करवाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। लेकिन अभी ये यहाँ पर हम आ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, तो जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है डिपेंड करते हैं
आप किस तरीके का फूड कंज्यूम करते हो। अगर हर्बीवोरस होते हैं जो कि क्या होते हैं, घास वगैरह खाते हैं जिसके अंदर की सेल्यूलोज होता है, तो उनकी जो लॉन्गर होती है कार्निवोरस के कंपैरिजन में उनकी लॉन्गर होती है क्योंकि डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। वहीं पर ही जो कार्निवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है। एंड इट हैज़ द, इसके साथ में यहाँ पर इसके अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट हैज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको कि विली कहा जाता है, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फूड इन टू ब्लड। ये बल्ब लिख दिया, इसको ब्लड कर लेना कि जो हमारे फूड है उसको अंदर डिसॉल्व करने का जो काम होता है, फूड को ब्लड के अंदर डिसॉल्व करने का जो हमने खाना खाया है वो काम विली करती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर वीकस कंटेन्स अ लाइम कैपेलरी कॉल्ड एस लेक्टल, लेक्टल हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए कि क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये। देन फिर इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही एक सिंपल सा है कि जो भी बचा हुआ फूड है उसमें से इसका काम होता है कि इट एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर, और फिर उसके बाद में जो भी बचा हुआ हमारा रेस्ट ऑफ मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से एनस के थ्रू। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है वो आता है लीवर। अब देखिए लीवर क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी एंड इट सीक्रेट्स बाइल, बाइल को यहाँ पर ये सीक्रेट करता है। अभी देखेंगे बाइल क्या होता है, विच स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, जो कि गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अब देखिए फंक्शन ऑफ बाइल क्या होता है, देखो बाइल का फंक्शन ये होता है कि सबसे पहला तो ये होता है कि इट मेक द एसिडिक फूड टू एल्कलाइन, जो अभी अभी फूड को एसिडिक बनाया था HCl ने, अब उसको क्या करना है, उसको एल्कलाइन बनाना है जिससे कि क्या हो कि जो पेनक्रेटिक एंजाइम है उसके ऊपर एक्ट कर सकें। तो इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहले तो इसको एल्कलाइन बनाता है। फिर सेकेंड यहाँ पर आता है कि बाइल कंटेन्स अ बाइल सॉल्ट, और इसके अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के प्रॉपर डाइजेशन के अंदर हमें हेल्प करता है एंड ब्रेकिंग द लार्ज ग्लोब्यूल्स टू द स्मॉलर वन, और जो लार्ज ग्लोब्यूल्स थे उनको स्मॉलर के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो आता है पैनक्रियास। अब देखिए पैनक्रियास क्या होता है, बेसिकली ये पैनक्रियास होता है जो कि सीक्रेट करता है यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स द मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके अंदर की बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एमाइलेज हो गया, ट्राइप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली आपको बस इतना से याद रखना है कि ये क्या काम होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में रेस्पिरेशन, मतलब कि हम सांस किस तरीके से लेते हैं। अब आप देखना कि कितने सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें तो लगता है कि ये जो सांस लेने के ऊपर कोई भी फोकस ही नहीं करता, ये तो ऑटोमेटिकली जब से हमने जन्म लिया जब से हम कंटिन्यू सांस लेते ही जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारी सांस के पीछे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर जो हम हमारा जो फूड है उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, उसी को यहाँ पर कहा जाता है रेस्पिरेशन। देन फिर इसके बाद में दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, एक होती है ब्रीदिंग और एक होती है सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर आप लोग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, देन फिर उसके बाद में आप CO2 को बाहर निकाल देंगे। और यहां पे जो सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल, और जब अगर आपको एनर्जी चाहिए तो फिर उसके बाद में फूड का ब्रेक डाउन होता है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये क्या होता है, मतलब कैसे होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पाइरूवेट होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि जिनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिससे कि ये 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसके साथ में वाटर भी रिलीज होता है, और ये जो रिएक्शन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि आपको है ना, मतलब बेसिकली एनर्जी देने का काम करती हैं, और इसके ऊपर इतना याद नहीं रखना, बस इनकी डेफिनेशन याद रखो और सिंपल सा आप सीधे सीधे चलते जाइए। और फिर इसके बाद में आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो पाइरूवेट है वो होता है मे बी कन्वर्टेड, इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मे बी, समटाइम्स कन्वर्ट होता है समटाइम्स नहीं होता, इसमें यह कन्वर्ट होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर विच
टेक्स प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, और ये जो प्रोसेस है ये होती है यीस्ट में फर्मेंटेशन के दौरान, एंड टेक्स प्लेस ऑन द एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर नहीं होगी जब ये प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यहाँ पर है, नोट करके लिखा हुआ है कि जो हमारा पाइरूवेट है इज कन्वर्टेड इनटू अ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के केस में लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। जब आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं और हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, तो उस केस के अंदर ये प्रोसेस होती है। जैसे कि आपने अगर कभी रनिंग करी होगी तो एकदम से आपके पैर फ्रीज हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब कभी भी हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी होती है। ये ह्यूमंस में ज्यादा पाया जाता है। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल्स। तो देखिए नॉस्ट्रिल्स का काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है कि एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। सबसे पहला काम होता है कि जो हवा है उसको अंदर लेके जाने के बॉडी का वो काम होता है। व्हेन वी टेक एयर थ्रू द आवर नॉस्ट्रिल्स एंड व्हेन वी ब्रेथ इन एंड एयर पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी। तो बेसिकली काम ये होता है कि जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो वो नेसल कैविटी के पास में सीधी चली जाती है, और इसके अंदर छोटे छोटे आपने देखा होगा कि आपकी जो नोज है उसके अंदर हेयर होते हैं, उनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। और फिर इसके बाद में नेजल कैविटी क्या होता है, नेजल कैविटी बेसिकली यहां पर लाइंड विद द हेयर्स एंड म्यूकस, ये मतलब कि म्यूकस का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी नमी जो होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है और ये गर्म होता है। और फिर इसके बाद में इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इट वार्म्स मॉइस्चराइजेस एंड फिल्टर द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स। और आपको ये जान करके थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार हमारे लंग्स जो हैं उनको है ना प्रॉपर एकदम से फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो जब कभी भी अगर आप देखोगे आप ना अगर कहीं फ्रेश एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव फील आती है। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स को है ना एकदम से फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन कई के लोगों को पसंद नहीं आता, उनको क्या करना होता है, उनको सिगरेट वगैरह पीना होता है या फिर और भी काम करने होते हैं जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और लंग्स खराब होते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बाहर घूमो और आपको अच्छी ताजा सांस मिलेगी तो आपको एकदम से वेल एंड गुड फील करोगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फायरनेक्स। अब देखिए फायरनेक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज द कॉमन पैसेज एट द बैक, मतलब ये याद रखिए कि एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर द एयर एंड द फूड। ये फायरनेक्स के अंदर बेसिकली हवा भी जाती है और जब हम खाना खाते हैं तो इससे खाना भी जाता है। एंड इट कंटेन्स द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है विच इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। और ये रिंग्स होने से क्या होता है कि जो हमारा एयर पैसेज है वो ब्लॉक मतलब कि कोलैप्स नहीं करता, इसे दबता नहीं है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लायरिनेक्स। तो लायरिनेक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज द टॉप ऑफ द टर्शिया इज द लायरिनेक्स विच कंटेन्स अ फ्लैप लाइक टिश्यू विच इज कॉल्ड द वोकल कोड। और जिससे हमारी आवाज आती है वो होते हैं वोकल कोड्स, और ये जो लायरिनेक्स के ऊपर जो होता है टिश्यू उसको कहा जाता है टर्शिया। अब देखिए ये जो टर्शिया है ये क्या होता है, अब टर्शिया इट बेसिकली इट कनेक्ट्स द लायरिनेक्स टू द ब्रोंकली ऑफ लंग्स। तो हमारे लंग्स को कनेक्ट करने का जो काम होता है वो होता है टर्शिया का, फिर उसके बाद में ब्रोंची, फिर उसका मेलोवली और फिर उसके बाद में लंग्स। तो ये 12 पॉइंट हैं इसमें। तो जो ब्रोंची होता है, ब्रोंची का काम क्या होता है, बेसिकली इट इज द मेन पैसेज वे इनटू द लंग्स। जो लंग्स के अंदर जाने का जो मेन पैसेज है वो होता है ब्रोंची। दे आर द मेन एक्सटेंशन ऑफ अ विंड पाइप दैट शटल एयर टू द एंड फॉर द लंग्स। मतलब कि बेसिकली एक तो इसका काम होता है कि हवा लेकर के आएगी और फिर उसके बाद में उस हवा को वापिस से लेकर के जाना है, ये काम होता है ब्रोंची का। और फिर उसके बाद में एलोवली का काम क्या होता है, एलोवलोई का मतलब काम, मतलब ये आई थिंक मैं इसका प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एलोवली का काम बेसिकली ये होता है कि दीज आर द एयर सैक्स, मतलब कि एक तरीके से ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंचिलोइज। तो ब्रोंचिलोइज के एंड में होते हैं, इनका काम ये होता है कि दे अलाउ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। हमारे जो लंग्स हैं और जो हमारे ब्लड है उनके बीच में जो एक्सचेंज का काम होता है वो काम होता है इसका
होगा कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना और उसको लेकर के वापस से चले जाना। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपने बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर की हवा भर जाती है, फिर कंप्रेस होता है, फिर भर जाती है, फिर कंप्रेस होता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है लंग्स। लंग्स क्या होता है? बेसिकली इट इज द मेन ब्रीदिंग ऑर्गन एंड इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस। ये मेन रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जिसको जो कि अवेलेबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और हम बात करें प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग की, क्या प्रोसेस रहती है, तो बेसिकली प्रोसेस ये रहती है कि ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम। डायफ्राम कंट्रोल करता है हमारी ब्रीथिंग को और इंटरकोस्टल मसल्स करती है। अब ये डायफ्राम क्या होता है? देखो डायफ्राम बेसिकली एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है विच सेपरेट द थ्योरिक, मतलब कि जो हमारा चेंबर है लंग्स का उसको और एब्डोमिनल कैविटी को, इसको सेपरेट करने का काम करती है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये जो डायफ्राम है नीचे जाता है, व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपेंड, हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि हवा अंदर आती है। और जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जब सिकुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जो हवा है उसको बाहर फेंक देते हैं। और फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस होता रहता है कि सबसे पहले वो एक्सपेंड होता है, हवा आती है, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हवा बाहर चली जाती है। और फिर इसके बाद में ये सब काम हो गया, एयर आ गई। अब इसको एयर को और ब्लड को मिक्स कर दिया हमने, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया। अब इस ब्लड को ट्रांसफर करने का टाइम है हर एक बॉडी पार्ट तक। तो वो जो पार्ट है वो होता है हार्ट। अब देखो आप लोगों को हार्ट की शेप क्या पता है? आपको पता है कि ये हार्ट इस तरीके का होता है। देखो मेरा तो हार्ट भी ऐसा ही बना। तो हार्ट ऐसा नहीं होता, हार्ट एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको उसके ऊपर नहीं जाना। हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में, मतलब दिल। तो हमारा दिल है, इसी के ऊपर ही सारे के सारे जो सॉन्ग्स हैं वो क्यों बने, इसके ऊपर ही सॉन्ग्स क्यों हैं। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, आपके लंग्स हो गए, आप सब कुछ है ना रिप्लेस हो सकता है, हर एक चीज़ रिप्लेस हो सकती है, लेकिन आपका जो हार्ट है वो इरिप्लेसिबल है कि आप इसको रिप्लेस नहीं करवा सकते हो। अगर इसने एक बार काम करना बंद कर दिया तो मतलब आपका द एंड और गेम ओवर हो चुका है। तो इसीलिए सारे के सारे सॉन्ग्स इसके ऊपर बनते हैं। आपने कभी सुना है किडनी के ऊपर सॉन्ग, कभी सुना है लीवर के ऊपर सॉन्ग, क्योंकि ये सब चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। तो अब देखिए हार्ट के बारे में अगर बात करें तो हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट कंटेन्स अ कार्डियलिक मसल्स, जिसके अंदर की कार्डिक मसल्स होती हैं। एंड इसका जो ये है मेन पंपिंग ऑर्गन है, जो कि पंप करने का काम करता है, वो है ये हमारा ऑर्गन। और इसकी पंपिंग पावर इतनी है कि अगर अर्थ के ऊपर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, इसको पानी दोगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 27th फ्लोर तक ये उस स्ट्रीम को हवा में फेंक सकता है। इतना पावरफुल है हमारा हार्ट, जो कि ये एक मिनट के अंदर आपने देखा होगा 72 टाइम्स इसका काम करने की कैपेसिटी होती है, इतनी बार ये काम करता रहता है। अब अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट है उसके अंदर चार चैम्बर होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम और दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, इसी तरीके से लेफ्ट में होता है, इसी तरीके से राइट में होता है। तो टोटल जो हमारे पास में चैम्बर होते हैं वो होते हैं चार चैम्बर होते हैं। अब देखिए पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले क्या होगा कि जो लंग्स हैं, लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको सप्लाई करेंगे, जो कि आएगा सीधे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम ऑफ अ हार्ट। एंड फिर उसके बाद में जो लेफ्ट अपर चैम्बर है, जो कि बेसिकली लेफ्ट एट्रियम ही है, देन ये क्या करता है कि ये जो ब्लड आया इसको ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट करके पास कर देता है, अलाउड टू एंटर द नेक्स्ट चैम्बर, जो कि रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद में इसने लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर किया तो अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये जो ब्लड है ये पंप आउट हो जाएगा बॉडी की तरफ, किसके थ्रू ये हो जाएगा, ओरोटा के एरोटा के थ्रू ये बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में इसी तरीके से क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को काम में ले लिया, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से आता है हार्ट के पास में, लेकिन अब की बारी किधर आती है, आता है राइट एट्रिनम में, सबसे फर्स्ट एंटर करता है। देन फिर इसके बाद में राइट एट्रिनम इसको ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि इसको वापिस से पंप आउट करता है लंग्स को कि इसको फिर से ऑक्सीजनेट करो,
और फिर से इसको हमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये होती है हमारी पूरी पंपिंग की, सारे दिन भर होती रहती है। और जिस दिन ये पंपिंग बंद हो गई, उस दिन हो गया भैया पूरा काम, कोई भी इस पंप को वापस से स्टार्ट नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके से इसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर आता है कि डायरेक्शन ऑफ अ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट, हमारे हार्ट से दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, सबसे पहले हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, देन फिर उसके बाद में वापस से हार्ट की तरफ आता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है सिस्टमैटिक मतलब कि सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी को जाता है सीधा, देन फिर उसके बाद में वापस से हार्ट को ट्रांसफर हो जाता है। ये दो होते हैं। और ये हमारे जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन, हमारी ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। और फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स के पास में कितने चैम्बर्ड हार्ट है, तो फिश के पास में दो चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स के पास में तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है, और जो क्रोकोडाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनके पास में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इसके बाद में यहां पर अगर हम लोग बात करें ब्लड मतलब खून, खून के बारे में हम लोग बात करेंगे। खून क्या होता है? बेसिकली खून है एक लिक्विड होता है जिसके अंदर की कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि फ्लूइडिक होता है नेचर के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक तो होते हैं सॉलिड कंपोनेंट, जिनमें क्या आता है रेड ब्लड सेल, हमारा जो ब्लड है उसको रेड कलर देने का काम आरबीसी करते हैं, क्योंकि एक तो देखो इनका काम ही होता है कि इट कैरीज द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट आल्सो कंटेन्स द हीमोग्लोबिन दैट गिव्स अ रेड कलर। और ये रेड कलर जो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आता है, और इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना ले जाने का काम होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है कि हमें डिफेंड करना, कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह आ गए, जर्म्स आ गए, उनके साथ में लड़ना और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम होता है WBC का। और फिर इसके बाद में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी आपके कट लग जाता है तो उसके ऊपर आप लोग खरूंट आता होगा, जो कि आपने देखा होगा कि छोटी सी रेड कलर की कोटिंग होती है, तो वो होते हैं प्लेटलेट्स। इनका काम होता है कि ब्लड कोटिंग ड्यूरिंग द इंजरी, इंजरी के दौरान जो भी आपका ब्लड है, ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहाँ पर जो कोटिंग होती है वो काम होता है मतलब कि प्लेटलेट्स का। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि जो लिक्विड कॉम्पोनेंट होते हैं वो, उनको कहा जाता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो होता है, ये होता है येल्लो कलर का होता है, विच कंटेन्स द 90% ऑफ वाटर, और इसके अंदर 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और अब हमने इतनी बात कर ली है, तो अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में ब्लड वेसल्स। अब देखिए ब्लड वेसल्स के बारे में बात करूं, उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम बात करते हैं आर्टरीज की, वेन्स की और कैपिलरीज की। तो देखिए आर्टरीज क्या होता है? बेसिकली आर्टरीज को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अब इसके नाम से क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, जो कि ये क्या करेगी, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, ये ले जाने का काम किसका होता है, वो होता है आर्टरी का। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर एक जो दूसरी आर्टरी होती है, होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या करती है कि इज ओनली द आर्टरी दैट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। और ये जो आर्टरी है ये क्या करती है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको लेकर के जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेंस। वेंस क्या होता है? बेसिकली होते हैं कलेक्टिंग वेसल्स, जो कि कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट क्या करना है हमारी बॉडी से? वो करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इनका काम क्या होता है? ये होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वो होते हैं वेंस। अब देखिए वेंस के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेंस। इज द ओनली वेंस दैट कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक लेके जाने का काम ये करती है।
और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज कुछ नहीं होता बेसिकली, कैपिलरी एक द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर वेरी थिन। इसकी जो मतलब कि वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं। दे फॉर्म्स द नेटवर्क, इनका काम होता है कि नेटवर्क बनाती हैं एंड विच रीचेज द एवरी लिविंग सेल ऑफ द बॉडी। इनका काम होता है नेटवर्क बनाना कि हर एक जो हमारे छोटा से छोटा ऑर्गन होता है उस तक ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू होनी चाहिए। इन टिश्यूज आर्टिलॉइड्स डिवाइड्स इनटू द थिन वॉल्ड सिंगल लेयर्ड वेसल्स कॉल्ड एस कैपिलरीज, और इसको कैपिलरी कहा जाता है, ये है इसकी डेफिनेशन। और फिर इसके बाद में आप आता है जाइलम और फिलोयम। अब देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम बेसिकली वो होता है प्लांट्स के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है आप उसको बोल सकते हो, जिसका कि वर्किंग ये होती है कि ये काम करे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का टू अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही काम करता है कि रूट्स से क्या करेंगे, पानी और मिनरल्स लेंगे फिर उसको ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और फिर उसके बाद में जैसे कि रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट तक काम करने का काम जाइलम का होता है। फिर इसके बाद में होता है फाइलम मतलब फ्लोयम। तो फ्लोयम का काम ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे कि रूट्स हैं, रूट्स को भी तो खाना चाहिए, तो वो जो काम करते हैं वो करते हैं फ्लोयम, ये काम करता है कि जो खाना है उसको दोनों ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में लेके जाने का काम ये होता है। एंड इट रिक्वायर्स द एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। अब इसके बाद में हमने पढ़ लिया कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, हम सांस कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर सारे दिन में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो अब जब प्रोसेस होती हैं तो उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसी को यहाँ पे कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स द मैनी काइंड्स ऑफ द वेस्टेज इंक्लूडिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस, जो कि प्रोसेस होती है उसको ही कहा जाता है एक्सक्रीशन। और फिर इसके बाद में ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है पेयर ऑफ किडनी, जो कि मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किडनी फेलियर हो जाता है देन फिर उसके बाद में आपका ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा तो फिर उसके बाद में आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है यूरेटर्स। तो यूरेटर्स क्या होता है, बेसिकली ये एक डक्ट होती है जो कि ड्रेन आउट करती है यूरिन को फ्रॉम किडनी एंड गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर तक लेके जाने का काम इसका होता है कि जो ड्रेन आउट करने का काम होता है बेसिकली इसका। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है, ये यूरिनरी रिजर्वर होता है, ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ बनेगा निकल जाएगा, इसको स्टोर करने के लिए जो होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। हमारे पास में रिप्रोडक्शन, अब देखो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इसमें बेसिकली क्वेश्चन कहां से आते हैं, इसमें एक तो आता है कि एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली जो वर्ड रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट जनरेशन यहां पे प्रोड्यूस होती है, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है जो कि उनके जैसा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉग होता है ना उसका बेबी भी क्या होगा, वो भी डॉग होगा। और जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमन भी क्या होते हैं, हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी ह्यूमन है तो ही आप ह्यूमन हो, ऐसा होता है कि ह्यूमन के बेबीज भी ह्यूमन होते हैं, डॉग के बेबी डॉग होते हैं। तो जो सिमिलैरिटी उनमें होती है वही सिमिलैरिटी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, तो इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। हाँ, तो मान लो कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब नेक्स्ट जनरेशन नहीं आते, कि एक जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है कि हम ह्यूमंस क्या होते हैं भैया, थोड़े 70-80 साल तक जीते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी डेथ हो जाती है, इतनी ही एवरेज एज होती है। तो मान लो कि ये ह्यूमन डेड हो गया, ऐसे करके सभी इनके सभी मर जाएंगे, अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, अर्थ के ऊपर कोई भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये इसीलिए ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन की, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ही चलता रहे और कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूसली रहती रहे। देन फिर इसके बाद में आप आते हैं कि इट प्रमोट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज एंड रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द डीएनए कॉपिंग।
ठीक है, ये डीएनए कॉपिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, ये बात आपको याद रखने की, रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर डीएनए कॉपिंग होती है, विच इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। और बेसिकली यहां पर ये डीएनए जो होता है ये बताता है कि भैया क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, कैसे प्रोटीन होगा, तो वो सब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। और इसकी वजह से क्या होते हैं कि वेरिएशन भी आते हैं, इट ब्रिंग वेरिएशन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम अभी स्टडी करने वाले हैं, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें ओनली एंड ओनली जो एक गैमेट इन्वॉल्व होता है, एक गैमेट इन्वॉल्व होता है, इसमें एक ही पेरेंट होते हैं, तो ये इसी वजह से क्या होता है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका आपको ये याद रखना है, ए से याद रखो कि ए मतलब एक। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहने वाली है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। तो ये जो रिप्रोडक्शन होगा सिंगल पेरेंट से वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल होती नहीं है, तो एक ही पेरेंट है, तो उसमें सिंगल गैमेट ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका है कि इट फाउंड ओनली इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जैसे जो सेल्स होते हैं उन्हीं में होता है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उनमें पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं कि द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, मतलब कि अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम होता है उनका, कोई भी डीएनए में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, आप देख करके नहीं बता सकते कि अलग अलग है, सेम होते हैं, और वो पेरेंट्स के साथ में भी उनकी सिमिलरिटी होती है। देन फिर इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है भैया, एडवांटेज ये है कि इट इज यूजफुल और एडवांटेजियस आप बोल सकते हो कि टू अ सर्टेन एनिमल्स दैट रिमेन इन ओनली वन पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कि ये उन एनिमल्स के लिए ज्यादा अच्छा है जो कि एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, फ्लैनेरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज होता है इससे। फिर सेकंड यहां पर आता है कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस न्यूमरस ऑफस्प्रिंग विदाउट कॉस्टिंग द पेरेंट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ टाइम। और जैसे कि इसके अंदर जो मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें बहुत ही कम एनर्जी और बहुत ही कम टाइम लगता है। देन फिर इसके ऐसा नहीं है कि एडवांटेज है भैया, इसके डिसएडवांटेज भी है। तो इसका डिसएडवांटेज यहां पर ये क्या है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जेनेटिक वेरिएशन के अंदर कोई भी नहीं आता कि जैसे कि जो पेरेंट के जीन्स थे वही नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर होते जाते हैं उस ऑफस्प्रिंग में, तो यही यहां पे इस तरीके से कंटिन्यूस में चलता रहता है। देन फिर इसके बाद में आप बताते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड देयरफॉर शेयर द सेम वीकनेस। अब यहां पर इसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट के पास, मान लो कि इनके पास में कोई एक वीकनेस है, ठीक है, वीकनेस ये है कि ये एक टेम्परेचर के बाद में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन तो होता नहीं, तो वही इसके अंदर आएगा, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा। और मान लो कि इनके टाइम के ऊपर जो टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इनके टाइम के ऊपर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, तो भैया इनकी वीकनेस थी कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब हो गई तो इससे पूरी पूरी स्पीसीज खत्म हो सकती है। तो यहां पर यही लिखा गया है कि इफ द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट चेंजेस द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी अ डेडली, और हाथों हाथ इनकी डेथ हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा है, और इसके अंदर बहुत ही कम वेरिएशन होते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि कितने इसके टाइप होते हैं, इसके बेसिकली 3 से 4 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है वो है इसका फीजन। फीजन क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर ये होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होने को यहां पे कहा जाता है फीजन। और इसके अंदर एक आता है बाइनरी फीजन, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है, तो दो ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होती है तो उसको कहा जाता है बाइनरी फीजन। द सेल डिवाइड्स इंटू हाफ एंड ईच हाफ डेवलप इंटू ए न्यू एडल्ट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अमीबा है, तो अमीबा के अंदर होता क्या है कि ये बेसिकली इस तरीके से दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाता है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। फिर इसके बाद में ये खुद से एक एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, ये रहेंगे चाइल्ड, और फिर उसके बाद में ये एडल्ट हो जाएंगे, फिर से ये अपना डिविजन करते रहेंगे, इस तरीके से इनमें चलता रहता है। और ये बेसिकली मिलता है अमीबा में और पैरामीशियम में, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में वो आता है मल्टीपल फीजन। अब देखो मल्टीपल फीजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो डिवीजन है ना पेरेंट का, वो दो में नहीं, वो किसी 3 में 4 में कितने भी ज्यादा नंबर के अंदर हो सकता है, 2 से ज्यादा होता है, तो उसको मल्टीपल फीजन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, उसके अंदर कंटिन्यू में डिवाइड होता ही रहता है
टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और वो जो न्यूक्लियस था वो बहुत ज्यादा उसके अंदर होता रहता है और उससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है यहाँ पर प्लाज्मोडियम, आप याद रख सकते हो। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, एक तो याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम में इन दो से क्वेश्चन आने वाला है और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, इसका मोड आता है, मतलब नेक्स्ट टाइप आता है, वो आता है फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिसके अंदर की फ्लेगमेंटिनियस एल्गे होता है, मतलब आप ये याद रख सकते हो स्पायरोगायरा जो होता है उसमें पाया जाता है, एंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स और पीसेस। तो भैया होता क्या है कि इसके अंदर ये जो हमारा है स्पायरोगायरा होता है, ये दो या दो से ज्यादा मोर इंडिविजुअल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, एंड ऑन मैच्योरिटी ईच फ्रेगमेंट ग्रोस टू फॉर्म अ न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और जब यहां पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद में जो इसके पार्ट्स थे वो एक बड़े एडल्ट के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। देन फिर इसके बाद हमारे पास में जो अगली प्रोसेस आती है या फिर अगला टाइप आता है वो आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है बडिंग। ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास में रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली होता है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव अ राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक एबिलिटी के एक ऑर्गेनिज्म बनाने का, और इंडिविजुअल फ्रॉम दियर बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट से पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना, वो होता है यहाँ पे क्या होता है, वो होता है रीजनरेशन। और बेसिकली यहाँ पर आता है कि इन दिस मेथड स्मॉल कट और अ ब्रोकन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रोज इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। और अगर मान लो कि कोई भी एक छोटा सा भी अगर टुकड़ा होता है तो वो कंप्लीटली एक नए ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर प्लेनेरिया, ठीक है। अब प्लेनेरिया में क्या होता है कि इसको है ना तीन पार्ट के अंदर काट दिया जाता है, जैसे कि ये तीन पार्ट के अंदर काट दिया गया, एक तो है इसका हेड और एक है इसकी बॉडी और एक है इसकी टेल। तो अब ध्यान से देखो कि इसका जो हेड है वो अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, और जो इसकी टेल है, आप देखो कि टेल है, सिर्फ और सिर्फ टेल थी, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इसकी जो बॉडी थी, बॉडी से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको कहा जाता है रीजनरेशन, की किसी भी एक बॉडी पार्ट से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म को बनना रीजनरेशन कहा जाता है। फोर्थ टाइप है वो आता है बडिंग का। अब देखो बडिंग में क्या होता है, बेसिकली जो पेरेंट होते हैं, जैसे कि पेरेंट हाइड्रा है, तो इसमें एक छोटा सा ब्लज निकलेगा। आप ये सोच सकते हो ये कोई भी छोटा सा एक पार्ट निकल रहा है, देन फिर इसके बाद में पार्ट क्या होता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है, पेरेंट से अटैच रहता है, फिर इसके बाद जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, इस स्टेज में कंप्लीटली डेवलप हो गया है, तो फिर इसके बाद में इससे हट करके दूर चला जाता है। तो यही होता है बडिंग में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लगिंग ऑफ अ पेरेंट बॉडी, इन दिस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली, इसके अंदर अनइक्वली डिवाइड होता है टू फॉर्म द बड विच रिमेन्स attached to the parents and body but later detach and develop into a new organism। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमें कि पहले इसको थोड़ी देर तक connected रहता है, फिर उसके बाद में अलग detach होकर के नया organism बन जाता है। ये specially मिलता है hydra में, sponge में, yeast में, इन सभी में मिलता है, मतलब ये वाला type of reproduction। अब इसका फिफ्थ टाइप आता है जो कि आता है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो स्पोर की डेफिनेशन देखते हैं कि पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस द हंड्रेड्स ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, उनको कहा जाता है स्पोर। अब बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो स्पोर है जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये क्या होता है कि वेन द स्पोर केस ऑफ अ प्लांट ब्रस्ट, मतलब एक तरीके से एक ऐसा बैग सा होता है जिसके अंदर की पूरे पूरे छोटे छोटे दाने से होते हैं, और जब वो फटता है, मतलब इसमें से जब सीड्स बाहर निकलते हैं, देन द स्पोर स्प्रेड टू द एयर, फिर इसके बाद में हवा में फैल जाते हैं, एंड वेयर दिस एयर मेड देम टू लैंड टू द सॉइल, और फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो हवा है इनको जमीन के ऊपर डाल देती है, देन फिर इसके बाद में अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अच्छी हुई, बारिश वगैरह है, पानी वानी है, तो क्या होगा कि वहां पे एक नया प्लांट वहां पे डेवलप हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहां पर जो इसका एग्जांपल है वो है ये राइजोपस। अब राइजोपस क्या होता है, राइजोपस ये इसका एग्जांपल है जिसमें कि हाइफे जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। हाइफे क्या होता है, हाइफे होते एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है राइजोपस में, जिसको कि हाइफे कहा जाता है। और स्प्रोंजेनियम क्या होता है, स्प्रोंजेनियम देखो ये बेसिकली छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग द स्पोर, मतलब जो स्पोर होते हैं उनको जो रखता है एक पाउच में, उसको कहा
जाता है स्प्रोनेंजियम, ठीक है। देन फिर इसके बाद में अगला जो टाइप आता है वो आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि न्यू प्लांट आर ऑब्टेंड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, कि कोई भी एक नया प्लांट डेवलप होगा जो कि वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होगा पुराने प्लांट के। अब जैसे कि ये हो सकता है रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या फिर लीव्स हो सकता है, तो क्या होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये इसका एग्जांपल है बड्स ऑफ पोटैटो हो गया, ब्लब ऑफ ऑनियन हो गया। मतलब आप घर पे देखना, अभी जाओ किचन के अंदर, अगर आलू होंगे तो आपको छोटी छोटी ऐसे आइस दिखेंगे, और अगर थोड़े लंबे समय से रखे हुए होंगे एक दो हफ्ते से, तो आप देखना कि उसके ऊपर ना ऐसे ये ग्रीन ग्रीन आपको कुछ दिखेंगे। तो भैया वही होता है यहाँ पे उसमें बड्स ऑफ पोटैटो। तो वहां से क्या होगा कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा पूरा पेड़ उग जाएगा, फिर आपको आलू मिल जाएंगे, फिर आप आलू की खेती करना, फिर उसके बाद में आप है ना बड़ा सा अपना फार्म बनाना, फिर उसके बाद में आप ऑर्गेनिक करना, फिर उसके बाद में आपके पास में इतना पैसा होगा, आप करोड़ों में खेलेंगे। ये सब बातें ये बैठ करके ऐसे इमेजिन मत करा करो, ये ओवर थिंकिंग करवा दी ना मैंने आपको कि आपके पास में आलू का पेड़ होगा, फिर ज्यादा आलू होंगे, तो ये होती है ओवर थिंकिंग। तो मैं भी पता नहीं क्या बातें करने लग जाता हूँ बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या है, एग्जाम के अंदर आएगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। तो भैया सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिक आइडेंटिकल होती हैं। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है रैपिड एंड इकोनॉमिकल मेथड है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, एंड सीडलेस वेराइटीज आर ऑब्टेन्ड, और इसके लिए बीज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा उससे ही आपका काम हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखे थे 6 टाइप, लेकिन इसके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, और एक हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो है उसका डायग्राम कैसा होता है। तो बेसिकली हमारे पास में इस तरीके का डायग्राम रहता है, किसका, ये है हमारे पास में जो प्लांट है उसका डायग्राम। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक होता है एंथर होता है, फिलामेंट होता है, पीटल होता है, स्पियल होता है, और बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सभी के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम डायग्राम आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएगा, और उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए इसका जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नंबर दिलवा के जाएगा, ठीक है। ये देखो कोई भी, मतलब मैं जोक मार रहा था, मैंने ये हंसना इसके ऊपर। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं स्फियल। अब देखो स्फियल क्या होता है, बेसिकली स्फियल एक ऐसा ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट व्हेन फ्लावर इज इन अ बड स्टेज। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप गुलाब का फूल देखना जिसके ऊपर कि आपको ना ग्रीन कलर की ऐसी कोटिंग सी मिलेगी, ठीक है, तो उसको ही स्फियल कहा जाता है। और नीचे भी, मतलब जब पूरक पूरा फ्लावर बन जाते हैं तो उसके नीचे भी आप देख सकते हो कि पूरक पूरा, जैसे कि ये हमारा फ्लावर है, देखो कितना अच्छा सा फ्लावर बनाया मैंने, और इसके नीचे जो ग्रीन कलर वाले स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है स्फियल, ठीक है। फिर इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है इसका वो आता है पीटल। अब पीटल क्या होता है, पीटल एक कलरफुल और एक अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंसेक्ट्स ही होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है पीटल। देन फिर इसके बाद में आते हैं स्टैमेन। स्टैमेन क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर मे हैव द नंबर ऑफ स्टेम, और एक फ्लावर के पास में काफी सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद में इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है इसमें फिलामेंट। तो एंथर क्या होता है, एंथर के स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर एंथर का स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखेगा कि ये एक ऐसा बीज के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जैसे पार्टीशन होता है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि हमें याद रखना है कि इट इज अ बाइलोबेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की 2 पोलन सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टैमेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। दिस प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश, और इसका काम होता है कि पोलन ग्रेन्स को जनरेट करे जो कि येलो कलर के होते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है कि थिन स्लैट लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एंथर। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि ये हमारा एंथर है, एंथर को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये पूरक पूरा डंडे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। देन फिर इसके बाद में ये इसको करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि होता है कार्पेल, जिसको कि हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, तो उसके अंदर
आपको एंथर भी एक्सप्लेन करना होगा, फिलामेंट भी करना होगा। और यहाँ पे आएगा फीमेल में आएगा तो आपको कार्पेल को एक्सप्लेन करना है, तो इसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है इसका, वो होता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है कि इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ अ कार्पेल बींग स्टिकी इन द नेचर रिसीव्स द पोलन ग्रेन। इसका काम होता है कि पोलन ग्रेन को रिसीव करे ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। फिर इसके बाद में आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ अ स्टिग्मा टू अ ओवरी हेल्पिंग विद द ट्रांसफर ऑफ अ पोलन थ्रू अ स्टाइल टू ओवरी। इसका काम ये होता है कि ये अटैचमेंट रहता है बेसिकली स्टिग्मा को और ओवरी को जो मिलाता है वो होता है स्टाइल, और इसका काम होता है कि ये जो पोलन है उनको ट्रांसफर करे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसिकली स्वोलन बॉटम होता है किसी भी कार्पेल का, उसको कहा जाता है ओवरी। इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ कार्पेल, और कार्पेल का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसका काम होता है कि गैमेट्स को जनरेट करना, जो कि यहाँ पर ये क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स जो कि होते हैं ओव्यूल्स। अब इसके बाद में आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमेन टू स्टिग्मा। मतलब बेसिकली जो हमारे पोलन ग्रेन से उनका ट्रांसफर हो स्टेमेन से स्टिग्मा के ऊपर, उसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन दो तरीके के होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन अगर एक ही प्लांट का है, मतलब फ्लावर एक ही है, मतलब फूल एक ही है, तो क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट फ्लावर्स होंगे तो उनके अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। आपको बस ये याद रखना है कि पोलन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, अगर सेल्फ बोल रहे हैं तो सेम फ्लावर, और अगर बोल रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन बताओ तो आप बोल देना कि ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, तो यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देन फिर इसके बाद में यहां पे आता है, वह आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब देखो इसके अंदर आपको दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके पास में आएगा कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर ऐसा आता है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो आएगा सीधा तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर मान लो कि टीचर आपसे थोड़ा कुछ और करवाना चाहते हैं तो बोलेगा कि डायग्राम के साथ में उनको एक्सप्लेन भी करो। तो आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको हर एक चीज को बताना पड़ेगा कि यूनाइटेड ब्लैडर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, आपको ये सब चीजें उसमें एक्सप्लेन करनी होगी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आएगा 5 मार्क्स का। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस क्या होता है, बेसिकली ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ मेल जर्म सेल और स्पर्म। मतलब बेसिकली टेस्टिस का काम ये होता है कि मेल जर्म सेल को ये प्रोड्यूस करें। एंड ये कहां पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है, वो आता है वास डिफरेंसेस। अब वास डिफरेंसेस क्या होता है, बेसिकली ये काम होता है इसका कि इट डिलीवर द स्पर्म एंड रीयूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है उसके साथ में रीयूनाइट होकर के इसका काम होता है कि स्पर्म को डिलीवर करे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है, वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि इट सीक्रेट्स द फ्लूइड टू मेक द ट्रांसपोर्ट इजियर फॉर द स्पर्म। स्पर्म का जो ट्रांसफर है उसको इजी बनाने के लिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड को सीक्रेट करता है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या होता है, स्क्रॉटम एक ऐसा स्मॉल पाउच होता है जो कैरी करता है टेस्टिस को, जिसके अंदर की टेस्टिस प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है स्क्रॉटम। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है जो लास्ट है इसका, मतलब 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो 5th पॉइंट यहां पर आता है, वो आता है पेनिस। अब देखो पेनिस क्या होता है, इट इज द एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है। इसका काम होता है कि इट ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के दौरान इसका काम होता है कि स्पर्म को ट्रांसफर करे। तो ये होता है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसी तरीके से मान लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इससे रिलेटेड आता है, तो इससे भी रिलेटेड आपको 5 पॉइंट ये एग्जाम के अंदर लिख करके आना है, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहां पे आते हैं हमारे पास में, एक डायग्राम को जरूर से देख लेना। देखो मैंने डायग्राम यहां पर ड्रॉ कराया तो आपको डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। तो यहां पे सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में ओवरीज। तो देखो ओवरीज क्या होता है, बेसिकली इट इज द पेयर ऑफ
पेयर में ये प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस भी क्या होती है वो भी पेयर में ही प्रेजेंट होती हैं, लोकेटेड ऑन द बोथ द साइड एट द एब्डोमिनल कैविटी, जो टेस्टिस थी वो आउटसाइड थी और ये क्या है इनसाइड है, नियर द किडनी प्रेजेंट है। और फिर इसका हमने फीमेल, इनका काम होता है कि फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना, जो कि एग्स होते हैं, फीमेल जर्म सेल होते हैं एग्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के कारण। देन फिर इसके बाद में जो इसका सेकेंड पार्ट आता है वो आता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट क्या होता है कि इट रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, और इसका काम होता है कि भैया एग को रिसीव करे और फिर उसका आदमी इसको ट्रांसफर कर दे यूट्रस को, ये काम होता है फैलोपियन ट्यूब का। एंड इट इज आल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, वो होती है फैलोपियन ट्यूब। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आते वो आते यूट्रस, यूट्रस वॉब भी होता है, जहाँ पे क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इट इज अ होलो और अपीयर्ड शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर द ग्रोथ ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस। तो जो ग्रोथ ऑफ फीटस होती है वो होती है यूट्रस में। देन फिर इसके बाद हमारे पास में जो इसका फोर्थ पार्ट आता है, पहले ये देखो कि इस एक और पॉइंट बाकी यूट्रस का, वो ये है कि यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। तो ये अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू की टाइप क्वेश्चन के अंदर आता है कि किसके थ्रू ओपन होता है, तो वहां पे इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्विक्स। देन फिर इसके बाद में इसका फिफ्थ पार्ट आता है, वो आता है वेजाइना। अब वेजाइना क्या होता है, बेसिकली इट रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व एज ए बर्थ कैनाल, और इसके दो काम होते हैं। फर्स्ट काम ये होता है कि जो स्पर्म है मेल पार्टनर से उसको रिसीव करे और उसके बाद में सर्व एज अ बर्थ कैनाल भी ये होता है। देन फिर इसके बाद में आता है सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या होता है, इट इज द लोअर और द नैरोवर पोर्शन ऑफ अ यूट्रस व्हिच ओपन इनटू अ वेजाइना। तो बेसिकली ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि वेजाइना के अंदर ओपन होता है, यूट्रस के बीच में और वेजाइना के बीच में। देन फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली होता है कि इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर आप कह सकते हो बर्थ कंट्रोल भी इसको कई बार कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर से आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी थ्री कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है वो आता है फिजिकल बैरियर, या फिर आप बोल सकते हो बैरियर मेथड, जिसके अंदर ये क्या होता है कि बैरियर आर यूज्ड, मतलब बैरियर्स को यूज किया जाता है सो दैट स्पर्म नॉट रीचेस द एग। अब मान लीजिए कि जब स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। देन फिर इसके अपने आप आ रहा है वो आता है केमिकल मेथड। बेसिकली केमिकल मेथड क्या होता है कि केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि ड्रग्स आर टेकन ओरली एज अ पिल टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस। सो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जो ड्रग्स है उनको लिया जाता है जिससे कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दिया जाए और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। देन फिर इसके बाद में लास्ट जो मेथड आता है वो आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड दो तरीके के होते हैं, ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि वेस्कोटॉमी होता है और एक ट्यूबेक्टॉमी होता है। बेसिकली इसके अंदर वेस्कोटॉमी में क्या होगा कि वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा सो दैट कि स्पर्म रिलीज ना हो, और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफर, एग ट्रांसफर नहीं हो इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो वेस्कोटॉमी है ये होती है मेल में, और जो ट्यूबेक्टॉमी होती है ये होती है फीमेल के अंदर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है। तो देखो समझो मेरी बात कि एक जनरेशन जो कि एफ टू जनरेशन है, ये बोल देता हूं कि ये है आपके दादा की जनरेशन, ठीक है, आपके दादा हैं वो है जनरेशन आपकी, और ये एफ वन जनरेशन क्या है, ये है आपके पापा वाली जनरेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये दोनों जनरेशन है, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि आपके दादा के आपके फादर को ट्रांसफर हुए होंगे, तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है इसी को यहां पर हेरिडिटी कहा जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट जो आते हैं वो आता है व्हाट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आईज जो होती हैं वो होती हैं ब्लू, और वहीं पर अगर हम उनके पेरेंट्स के देखें तो उनके पेरेंट्स की जो होती हैं वो होती हैं ब्राउन। अब ये जो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उनके कैरेक्टर में वेरिएशन आ गया, मतलब उनकी आंखों का कलर चेंज हो गया, तो यहां पर यही होता है कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और द ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड ए वेरिएशन। मतलब कि थोड़ा बहुत
बहुत भी किसी भी कैरेक्टर के अंदर अगर डिफरेंस होता है उसी को यहाँ पर वेरिएशन कहा जाता है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, सबसे फर्स्ट इसका रीज़न होता है वो होता है कि जेनेटिक वेरिएशन होता है जिसको कि म्यूटेशन भी कहते हैं। फिर सेकेंड इसके लिए हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे फर्स्ट है यहाँ पर डाइट। अब कई के लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो उनके अंदर वेरिएशन कम आते हैं या फिर अलग वेरिएशन आते हैं, और जो डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते उनके लिए अलग अलग वेरिएशन आते हैं। फिर सेकंड यहाँ पर आते हुआ क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वो ये है कि आपके दादाजी जो हैं, आपके दादाजी के टाइम के ऊपर जो टेम्परेचर था वो कम था, और वहीं पर अगर आपके टाइम पर बात करें तो आपके टाइम पर थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। उस टाइम के ऊपर इतना नहीं जाता था, अप्रॉक्सीमेटली अभी तो 48-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता, लेकिन उस टाइम पर इतना नहीं जाता था। उनके टाइम पर मैक्सिमम जो था वो था 40 और इस टाइम के ऊपर है वो है 48। तो यहाँ पर वेरिएशन आने क्या है, कन्फर्म है। तो यही होता है यहाँ पर। और जो लास्ट वाला है वो है केमिकल्स की। केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम जो है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे केमिकल काम में लेते हैं, लेकिन वहीं पर ही अगर बात करूँ जो हमारे दादा के टाइम पर था, उस टाइम पर केमिकल्स हुए ही नहीं थे। हमारे दादा के जो दादा थे उनके टाइम पर थे ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था केमिकल क्या होते थे। वहाँ पर प्योरली ऑर्गेनिक जो होता है ना वो किया जाता था, लेकिन इस टाइम के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स काम में ली जाते, तो ये भी एक इसका मेन रीज़न होता है। फिर सेकंड आते हैं कि क्या ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या इसके पॉइंट हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि वाई इज़ द वेरिएशन इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया इसको थोड़ा ध्यान से सुना, अगर एग्जामिनर का मन बन गया कि चलो यार बच्चों से बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे इसे, तो वो बोल देगा कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सबसे फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ अ हेरिडिटी, हेरिडिटी का बेस है ये। फिर सेकेंड पॉइंट है कि अडेप्टेबिलिटी टू द वर्ड्स कंडीशन ड्यू टू वेरिएशन, और इसके वजह से क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन जो हो सकती हैं उसमें सर्वाइव हो सकता है, उसमें अडॉप्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी भी मैंने आपको दादाजी का एग्जांपल दिया था आपके, तो अगर मान लो कि उस टाइम के ऊपर आप इसमें सस्टेन नहीं कर पाते, 40 से 48 तक नहीं जा पाते, तो आप क्या सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए क्या है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल सी ऑप्शन ये है कि न्यू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मे अराइज ड्यू टू वेरिएशन, और नए ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं वेरिएशन की वजह से। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अ सर्वाइवल, और अगर वेरिएशन होता है तो उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद में इसका एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया का दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो ये है कि बैक्टीरिया दैट कैन स्टैंड विद द हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट, मतलब जो कि एक तरीके से हीट के साथ में सस्टेन कर सकता है वो हीट के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। अब इसके बाद में जो अगली, आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, सीक्रेट मैं पेपर लीक कर रहा हूं, अपने टीचर को मत बताना, वो ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 100% इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हो सकता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके और मेरे बीच की बात है, मेंडल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको स्किप नहीं करना हमें। तो देखो मेंडल एक्सपेरिमेंट को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो है मतलब एक तरीके से ये फादर थे, मतलब क्या थे, बापू थे, किसके, जेनेटिक्स को जन्म दिया था ना, जेनेटिक्स को जिसने डिस्कवर करा था वो थे मेंडल। तो अब देखो मेंडल ने किया क्या था, क्या इन्होंने स्टडी करी थी वो हम पढ़ते, लेकिन सबसे पहले देखते कि इन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी थी। इन्होंने स्टडी करी थी, हम सब जानते कि ग्रैंड गार्डन पी प्लांट जो था उसके ऊपर स्टडी करी गई थी। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, पाइसम स्टेनियम जो है वो है इसका नाम। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आने के बहुत सारे चांसेस है, तो इसका नाम जरूर से याद रखना कि पाइसम स्टेनियम जो प्लांट था उसको मेंडल एक्सपेरिमेंट में यूज में लिया गया था। फिर इसके बाद यहां पर आते हैं कि मेंडल एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट हुआ था इन विच ही क्रॉस पॉलिनेटेड, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा था। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर जो पॉलिनेशन होते हैं या फिर जो भी हाइब्रिड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, इसमें 2 तरीके के होते हैं, इनके नाम से क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट होता है वो होता है मोनो हाइब्रिड। अब देखो मोनो हाइब्रिड का मतलब आ गया कि यहां पर एक, मतलब एक ही यहां पे होगा कि इन केस ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद द प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ अ प्लांट्स, मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइब्रिड क्रॉस होने वाला, मतलब एक पेरेंट ही इन्वॉल्व रहेगा इसमें। और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो रहेगा F2 जनरेशन के अंदर वो रहेगा 3:1। ये क्या है, ये 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो रहेगा। फिर इसके बाद में यहां पर आता हुआ था डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड के नाम से समझ में आ रहा है कि यार इसके अंदर दो है, डाई का मतलब दो,
तो इसमें क्या होगा कि इन केस ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इन्वॉल्विंग द टू पेयर्स ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इसके अंदर दो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और जो इसका फिनोटिपिक रेशियो रहेगा एफ टू जनरेशन में वो रहेगा 9:3:3:1, ये रहने वाला है इसका फिनोटिपिक रेशियो। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कहां से है, लेकिन आपको तो अभी बस इतना ही याद रखना है अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आता है तो। अब इसके बाद में मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन मतलब इन्होंने करा था पूरा, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों था और इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या मिला। तो इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने से ये कुछ रिजल्ट्स मिले थे, ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का कि व्हाट आर द कंक्लूजंस ऑफ अ मेंडल एक्सपेरिमेंट। इसके लिए 3 पॉइंट लिखने होंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेंडल कंडक्टेड दैट आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वन इज अ डोमिनेंट, ये वाली जो लाइन अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स दैट इट मेक्स द अपीयरेंस इन द हाइब्रिड। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो कैरेक्टर है ना इसके अंदर भले ही दो पेयर ऑफ कैरेक्टर है लेकिन इनमें से क्या हुआ एक डोमिनेंट होगा और जो एक है वो रहेगा रिसेसिव, मतलब कि वो दिखेगा नहीं, होगा तो जरूर लेकिन वो क्या होगा वो दिखेगा नहीं, अपना शो नहीं कर पाएगा उसके ऊपर अपना इफेक्ट। एंड मैनिफेस्टेशन इज अदर इज मार्क, मतलब कि मैनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो दूसरे वाला डोमिनेंट है वो ही दिखेगा इसमें, ये याद रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो अगली टर्म आती है इसी के कंक्लूजन का ही ये कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट, जैसे कि होमोलोगस जो होता है ना मतलब एक जैसा ही जो होमोलोगस रहेगा, होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर, 2 कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट को, जैसे कि TT हो गया ना इसको यहाँ पर डिनोट करा जाएगा, ये होता है यहाँ पर होमोलोगस क्योंकि इसके अंदर एक जैसा ही ट्रेट और वो है डोमिनेंट। और वहीं पर अगर बात करें होमोलोगस रिसेसिव का मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर वो स्मॉल है, तो आपको क्या करना है कि कैपिटल टी यहां पर लिखा हुआ है तो आपको लिख देना स्मॉल टी, और ये हो गया समझ में। इसको तो याद मत रखो, डोमिनेंट को याद रखो, उसका उल्टा रिसेसिव के अंदर कर देना है। और फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है, इसके अगले पॉइंट में ये है कि इन क्रॉसिंग इफ 2 or more ट्रेट्स आर इन्वॉल्व, अगर कोई भी क्रॉसिंग है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट्स इन्वॉल्व हैं देन दियर जेन्स असोर्टेड इंडिपेंडेंटली, असोर्टेड का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मतलब। ये वाला पॉइंट अगर लिखोगे ना ये वाला नाम तो आपका लगेगा कि यार आंसर बच्चा पढ़ गया है, एक अच्छी जगह से पढ़ गया है, तो इसलिए आपको ये नाम जरूर से लिखना है। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द पेरेंट, और उसके अंदर जो एक तरीके से चाहे से कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व उसमें उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट इज अ प्योर एंड पजेस ओनली 1 जेन सेट, इसमें बस एक ही जेन सेट होता है गैमेट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया वो ये आता है कि फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ स्प्रिंग रिसीव 1 एलाई फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर, मतलब ये है कि एक जो एलाई है वो अपने फादर से रिसीव करेंगे और एक जो एलाई है वो करेंगे अपनी मदर से रिसीव, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है इसके अंदर ऐसे जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया था क्रॉस, तो क्रॉस के अंदर क्या होगा कि 2 पेरेंट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि पेरेंट जनरेशन जो है टॉल पी प्लांट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, क्योंकि यहां पर टॉल क्या है वो डोमिनेंट, और जो शॉर्ट पी प्लांट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से और स्मॉल टी से। अब इसके बाद में क्या होता है कि हम इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं, जब इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास में ये 4 कॉम्बिनेशन होगा। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे है, सबसे फर्स्ट क्या करो कि आप इस टी को सिलेक्ट करो और एक बार इसके साथ में आप करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा टी और टी, फिर इसके बाद में इसको आप सेकंड के साथ में करेंगे तो फिर से आपको यहां पर मिलेगा टी और टी, और इसी तरीके से आप ये सेकंड वाले को करो और फिर इसके साथ में करो फर्स्ट वाले के साथ में और सेकंड वाले के साथ में, तो वही यहाँ पर ये टेबल की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी महाभारत नहीं, इसमें क्या करा है मैंने एक टी यहाँ से ले लिया, एक टी यहाँ से ले लिया, फिर एक टी यहाँ से ले लिया, फिर टी यहाँ से ले लिया, तो इस तरीके से ये वाली जो टेबल है ये आसान है, आप ये टेबल बना के आना बहुत ही आसान, और आपको ये याद भी रहेगी कि भैया इसमें करना कुछ भी नहीं, एक टी यहाँ से लेना, एक टी यहाँ से लेना, टी यहाँ से, टी यहाँ से, फिर टी यहाँ से, टी यहाँ से, ऐसे करके आपको ये पूरी टेबल फॉर्म कर देनी है। अब यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि ऑल द पेरेंट्स आर टॉल, अब टॉल क्यों है भैया, इसके अंदर तो हमें तो स्मॉल टी भी दिख रहा है लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि स्मॉल टी जो है ये क्या है रिसेसिव है और जो कैपिटल टी है वो क्या है वो है डोमिनेटिंग, तो यहां पर डोमिनेटिंग आएगा ना, डोमिनेटिंग क्या है वो है यहां पर टॉल, तो इसीलिए क्या होगा कि यहां पर टॉल जीनोटाइप रहेगा जो कि रहने वाला है टी और स्मॉल टी रहेगा इसके अंदर जीनोटाइप। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, अभी ये जो F1 जनरेशन है इनका हम क्या करवा देते हैं, इनका क्रॉस करवा देते हैं, मतलब इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं,
तो इससे हमें क्या मिलेगा। हम इसके बाद में बोल देते हैं कि टी और टी के गैमेट्स इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये टेबल हमने फॉर्म कर ली, तो अब देखना इसका फायदा, ये टी लिया और इसके साथ में करेंगे तो हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा, फिर इसके बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमें ये मिलेगा, फिर लास्ट वाले के अंदर देखोगे कि स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, इससे तो ये हमें मिल रहा है, लेकिन लास्ट के अंदर देखो ये वाला, ये टी हो गया और एक ये टी हो गया, तो हमें लास्ट के अंदर मिल रहे हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब कि इसके अंदर दोनों के दोनों ही क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। तो रिसेसिव क्या था, रिसेसिव था यहां पर स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, ये स्मॉल पी प्लांट फॉर्म हो गया। तो हमें क्या मिल गया यहां पर, हमें मिल गए 75% ऑफ क्या है वह है टॉल, और 25% क्या है वह है यहां पर शॉर्ट पी प्लांट, और इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीन टिप रेशियो है वह है यहां पर कैपिटल टी टी, क्योंकि यहां पर आपको ये मिल रहा है। फिर सेकंड है कि टी और टी जो कि आपने देखा कि हाइब्रिड है दोनों के, और एक है यहां पर स्मॉल वाला स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इनका रेशियो रहेगा 1:2:1, और इनका फिनोटिपिक जो रेशियो है वो रहने वाला है टॉल और शॉर्ट का, वो रहेगा 3:1। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में सीधा एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। तो ये हो गया पूरा मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सबसे पहले वो है एलआई। एलआई क्या है, एलआई इज द वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, और जीन का एक डिफरेंट फॉर्म जो है उसी को ही एलआई कहा जाता है। अब इसके बाद में यहां पर इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एन एलआई हुज फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, अगर दूसरा प्रेजेंट है ना तो भी यही वहां पर क्या करा जाएगा, इसको ही ज्यादा वहां पे महत्व दिया जाएगा, इसकी ही वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। तो अब यहां पे इसी तरीके से आपको क्या करना है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला देख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर टी, और इसको कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव वो होता है कि जो कि प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको बस उसका उल्टा लिख देना है, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर टी, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यहां पर जीनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जेनेटिक क्या कंपोजिशन है इंडिविजुअल का, उसको यहां पर कहा जाता है जीनोटाइप। और जैसे कि प्योर और हाइब्रिड टॉल ये सब कुछ क्या रहते हैं, ये रहते हैं उसके जीन के, जैसे कि हमने देखा था टी और टी, मतलब ये क्या था, ये था प्योर टॉल, इसके अंदर कोई भी वो नहीं है। लेकिन अगर बात करें टी और स्मॉल टी की, तो ये क्या था, ये था हाइब्रिड, इसके अंदर टॉल भी था और इसके साथ में स्मॉल भी था, लेकिन ये टॉल था क्योंकि यहां पर इसके अंदर टी जो था वो था डोमिनेट। फिर इसके बाद में यहां पर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, मतलब जैसे कि टॉल था या फिर ड्वार्फ था, वो यहां पर इसमें फिनोटाइप में आते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड ट्रेट्स क्या होते हैं, मोनोहाइब्रिड ट्रेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। मोनोहाइब्रिड वो होता है कि द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट इज टेकन इन टू द कंसिडरेशन एंड अदर इज नॉन एज एन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब ये है कि एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का लिया जाएगा, उसी को ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। और इसी का ही उल्टा क्या होगा, डाईहाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि भैया द क्रॉस इन विच टू पेयर, जिसके अंदर दो पेयर काम में ले लिए जाएंगे, उसी को यहां पर डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एंड विच कैन बी ऑब्टेन इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड रेशियो, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलता है उसको हम मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, द ट्रेट विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जो कि अपनी F1 जनरेशन में आ सकता है ना, उसी को ही डोमिनेंट कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या रहा है कि F1 जनरेशन में कौन कौन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट टॉल, ये टी क्या है, ये है डोमिनेंट, तो यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, स्मॉल टी तो कर ही नहीं पा रहा, ये किस में कर पा रहे, ये कर रहा है अपनी F2 जनरेशन में, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। और देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिसेसिव ट्रेट। अब रिसेसिव ट्रेट क्या होता है कि द ट्रेट विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन बट अपीयर्स इन F2 जनरेशन, जो कि F1 में तो नहीं आ पाया, F1 में किसी रीजन से वो चुप रहा, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रहता, तो फिर वो क्या होता है, वो आता है F2 जनरेशन में, अपनी एकदम से वो एंट्री लेता है। कौन सी वाली एंट्री होती है, दबंग, कोई सी भी एंट्री होता है, बहुत ही जबरदस्त एंट्री लेता है रिसेसिव ट्रेट।
देन फिर इसके बाद में आप आते हैं कि होमोलोगस क्या होता है, हेट्रोलोगस क्या होता है, जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ जेंस होते हैं इनको होमोलोगस कहते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप होते हैं वो होते हैं यहाँ पे मतलब हेट्रोलोगस, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप आते हैं कि डोमिनेंट जीन क्या होता है, द जीन्स विच इज एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन बोथ होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, तो वो वहां पर ये होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, इसका उल्टा होता है कि जो कि नॉट एबल टू मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हेट्रोजेनियस में, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को होमोलोगस कंडीशंस में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये याद रखनी है आपको बात। देन फिर इसके बाद में आप आते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, मतलब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आपकी जो एक तरीके से स्पीकिंग स्किल्स हैं क्या वो आपके फादर के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्या आपको जैसे कि आपको अगर स्पीकिंग आती है तो आपके फादर के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ कि आपको मोबाइल जो है मोबाइल चलाने की जो स्किल है क्या वो आपके पापा के ऊपर डिपेंड करेगी, आपके पापा बहुत ही अच्छे मोबाइल चलाते होंगे तो ही आप चला पाओगे, नहीं। ये क्या है, ये है एक्वायर्ड, जैसे कि आपने बोलना कहाँ पर सीखा, स्कूल में जाकर के सीखा, पढ़ना कहाँ पर सीखा, स्कूल में जाकर के सीखा, मतलब बचपन से आपको ये नहीं आता है लेकिन आपने बाहर इस दुनिया में आकर के जो चीज़ें सीखी उसी को ही एक्वायर्ड कहा जाएगा, मतलब सीखने को एक्वायर्ड कहते हैं। अब जैसे कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो है उसका बेटा जो है उसको क्रिकेट नहीं खेलना आता, मैं अगर मान लो सिखा दिया होगा बाहर से जब वो पैदा हुआ था जब उसको नहीं आता था, लेकिन अब उसके पापा ने उसको सिखा दिया, तो क्या करें वहां पर वो सीखा है, सीख तो आप भी सकते हो, आप भी बन सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है कि ये ट्रांसफर नहीं होती है, क्या होती है, ये होती है स्किल्स होती हैं, ठीक है, स्किल होती है जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होती है, खेलने की स्किल होती है, तो ये सब स्किल्स में होती हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि नॉट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल, आपको सिंपल से साइंटिफिक वे के अंदर याद रखना कि भैया रिप्रोडक्टिव सेल में प्रेजेंट नहीं होती एक्वायर्ड ट्रेट्स। फिर सेकेंड ये होता है कि वी एक्वायर इट फ्रॉम सराउंडिंग, और ये हम बाहर से सीखते हैं, सराउंडिंग से सीखते हैं, इसीलिए इनको एक्वायर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हो गया स्पीकिंग हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, ये सब जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास में एक्वायर्ड। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है हमारे पास में इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेड का मतलब ये हुआ कि जो कि आपके फादर से क्या हो भैया अपने सन को ट्रांसफर हो, मतलब कि पिताजी से अपने बच्चे को ट्रांसफर होती हैं, वो होती हैं इनहेरिटेड, मतलब जो कि आपको विरासत में मिलती हैं वो होती हैं इनहेरिटेड, जो कि आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। मतलब जैसे कि मान लो कि आप बोलते हो कि मेरे पापा का कलर जो है ना बालों का वो है ब्लैक और मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लू आ जाए, वो नहीं आ सकता, वो तो आपके पापा का जो बालों का कलर है वही रहेगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि इट इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल एंड वी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, और ये हम हमारे पेरेंट्स से ही लेते हैं, और इसका जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, और भी काफी सारे एग्जांपल होते हैं जैसे कि आई कलर हो गया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन वेरिएशन की वजह से वो चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इनहेरिटेड वो होते हैं जो कि हम पहले से सीख कर हमारे पास में होता है, बचपन से होता है, हम पैदा ही उसको लेकर के होते हैं, उसी को ही इनहेरिटेड कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला जो आता है पॉइंट वो ये आता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो ये जो टॉपिक है इससे एग्जाम के अंदर पिछली बार 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है, आपको तो एग्जाम 23 में हो गया लेकिन 22 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुना मेरी बात। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे आप ये बता सकते हो कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो है भैया इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब ऐसे भी कुछ जो प्राणी होते हैं हमारी धरती के ऊपर जिनको कि हम टेम्परेचर देख करके बता सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसका हम देखते हैं कि इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो बता देते हैं कि यहां पर क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, जो कि स्पेशली पाया जाता है टर्टल्स में। ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और इसमें कह भी सकते हैं कि व्हाट आर द मतलब विच एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द ऑफस्प्रिंग, तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं जेनेटिक। अब जेनेटिक यहां पर आते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स अकर्स बाय द जेनेटिक कंट्रोल एंड जेन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब ये कि ये जो है इसका सिंपली जेनेटिक कंट्रोल होता है, इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नहीं पता होता कि जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला है वो बॉय है या फिर गर्ल है।
तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होता है ये। तो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग में। तो आप लोग बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए। मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल नंबर की बात कर रहा हूं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पर जो वन पेयर होता है वो होता है दो क्रोमोसोम होता है। एक पेयर का मतलब होता है कि उसके अंदर दो क्रोमोसोम है, ऐसे ही 23 है। तो ये बताओ कि कितने हैं टोटल। और यहां पर इसमें जो 23 पेयर हैं इनमें से एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसका कि मतलब ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि जो आने वाला चाइल्ड है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। अब जैसे कि इसके अंदर किस तरीके से होता है, इसके अंदर मेल के पास में दो गैमेट्स होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल जो होती है उनके पास में दो गैमेट्स होते हैं एक्स और एक्स। जब इनके पास में क्या होता है, इनको आप बोल सकते हो कि जब नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है तो यहां पर फादर से एक लिया जाएगा और एक मदर से लिया जाएगा। तो यहां पर गैमेट्स जो होते हैं ये मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फादर के पास में दो गैमेट्स हैं एक्स और वाई, मदर के पास में एक्स और एक्स है। अब इसके बाद में वही टेबल बनेगी, जैसे कि एक्स को सबसे फर्स्ट एक्स के साथ में करा तो एक्स एक्स हो गया, फिर इसके बाद में एक्स को इसके साथ में करा तो भी यहां पर एक्स फॉर्म हुआ, लेकिन जो वाई था वाई को एक्स के साथ में फॉर्म करा तो यहां पर एक्स वाई हो गया, और फिर इसके साथ में इसमें करा तो यहां पर एक्स वाई होगा। मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको चार में से दो तो गर्ल हैं और दो इसमें बॉयज हैं। तो मतलब ये हो गया कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय वो कितनी रहेगी, टू फेवरेबल आउटकम कितने भैया, बॉय या फिर गर्ल के, दोनों के दो दो ही हैं तो हम लिख सकते हैं 2/4। तो यहाँ पर आके 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और हम ये बोल सकते हैं कि भैया 50% प्रोबेबिलिटी होते हैं कि वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगी। तो यहीं पर ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ में अगर आपने अभी भागना मत, अभी देखो जल्दी से भागो मत, जल्दी से लाइक करके जाओ, नहीं तो देख लेना फिर, लाइक करो और उसी के साथ में सब्सक्राइब करो और अपने प्रिय मित्र के साथ में इसको शेयर कर दो। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।